गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ईयर का सेशन फर्स्ट सेशन हिंदी व्याकरण में कल अपन संज्ञा के बारे में जानकारी ली है और आज जो है सेकंड आते सर्वनाम, इसके बारे में जानकारी ले ली है अपने को। सर्वनाम उदाहरण के लिए सर्वनाम का डेफिनेशन अपने को समझ लेना चाहिए कि क्या है। संज्ञा नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम छह प्रकार के हैं। इसका उदाहरण जो है एग्जाम्पल हम आप हमारा कई कौन दोस्तों जो है सर्वनाम के उदाहरण है। और इनमें जो है फर्स्ट वर्ड छह प्रकार के हैं सर्वनाम। इनमें जो फर्स्ट वर्ड सर पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड नीचेवाचक सर्वनाम, थर्ड अनीचेवाचक सर्वनाम, फोर्थ संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट में सिक्स्थ जो है निजवाचक सर्वनाम। ये क्या है छह प्रकार के हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम फर्स्ट पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है उदाहरण मैं हम तू तुम आप यह ये और वे जो क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जांपल है। जो इनके बारे में जो इसका जो डेफिनेशन है वक्ता के नाम के बदले में श्रोता के नाम के बदले में या जिसके विषय में बात की जा रही है उसे क्या कहते हैं। वस्तु या नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जैसे उदाहरण देखा है आपने तो अन्य जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार है। कितने सर्वनाम के पूरे छह प्रकार है और पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार है। उनमें जो है फर्स्ट वन उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता अपने नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, वक्ता अपने नाम के बदले मैं या हम तो ये क्या है उत्तम पुरुष है। और नेक्स्ट वन सेकंड मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता श्रोता के नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तू तुम आप है ना, या फिर तुम तू आप जो है मध्यम पुरुष के अंदर आता है। और लास्ट वन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके विषय में बात की जाती है उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि फर्स्ट पर्सन फर्स्ट उत्तम पुरुष, मिडिल पुरुष या लास्ट थर्ड पुरुष यानी अन्य पुरुष, जिसके विषय में बात की जाती है उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह 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 ये वह वे ये जो है तीन प्रकार के हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर सेकंड वाला है निचयवाचक सर्वनाम। निचयवाचक सर्वनाम इसका डेफिनेशन क्या है तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है तो मेरा मेरे मेरी उसका इसका हमारा अपना ये क्या है निश्चित क्रमांक से उनकी वस्तु या चीजें निश्चित क्रमांक से होने वाले वस्तु या कोई भी चीज हो है? तो घर हो या कोई कमरा हो या कोई बेटी या बेटा कोई बाप या पिता कोई भी हो मेरा मेरी मेरी उसका उसका इसका हमारा अपना जो है निचयवाचक सर्वनाम को सूचित किया जा रहा है। थर्ड पर अनिचयवाचक सर्वनाम कोई कभी कुछ कभी कोई ना कोई आदि ये क्या है अनिचयवाचक सर्वनाम। ये जो है अनिचयवाचक सर्वनाम का डेफिनेशन देखो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण ये जो है कोई कभी कुछ कहीं कोई या कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चित क्रमांक से नहीं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आता है यानी क्या है कोई क्या है कभी कब है क्या अनिश्चयवाचक है कुछ क्या है कुछ कहीं कहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई या आदि ये क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। और संबंधवाचक सर्वनाम फोर्थ वन क्या है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है संबंध इसका डेफिनेशन देख लो एक बार। जो सर्वनाम किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ संबंध का बोध करने वाले उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो सो
जिसे उसे जिसकी उसकी आदि ये संबंध हो किसी चीज से या किसी वस्तु से या किसी आदमी से या किसी ना किसी से संबंध हो किसे कहते हैं जो सो जिसकी उसकी जिसे उसे एक या सर्वनामवाचक सर्वनाम से अपने को सूचित हो रहा है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर फिफ्थ क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम इसका डेफिनेशन एक बार देख लो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं तो उनको क्या कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है क्या कौन कहा आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम इसे कैसे आप क्या कहते हैं क्या क्या है क्या है प्रश्न क्या है कौन कौन है प्रश्नवाचक है ना कहा कहा ये भी क्या है प्रश्नवाचक आदि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम लास्ट में अपना अपनी अपने क्या है इसका डेफिनेशन क्या है जो सर्वनाम जिसे निज अपने आप के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कि अपना अपनी अपने इससे क्या है अपने को निजवाचक कंपल्सरी अपना हो या अपने हो या अपनी हो ये क्या है अपने को सूचित किया जा रहा है। तो ये है सेकंड व्याकरण में फर्स्ट संज्ञा सेकंड सर्वनाम ठीक है धन्यवाद।